हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, रशिया का रिक्वायरमेंट है, और अभी रशिया का काम दो हमारे पास आया हुआ है। एक तो मैंने वीडियो डाला था, अभी दो तीन दिन पहले ही डाला था, और ये वाला भी रिक्वायरमेंट हमारे पास ऑलमोस्ट दो दिन से चल रहा है। तो ये काम जो हमारे पास आया हुआ है भाई, बियर फैक्ट्री का काम है, और इस फैक्ट्री के अंदर में बियर बनता है, पैकिंग होता है, ये सारा चीज़ जो है प्रोसेस इसी फैक्ट्री के अंदर में होता है। पूरा ताज़ा माल रेडी होकर के बाहर निकलता है फैक्ट्री के अंदर से, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हेल्पर जाएंगे तो उसको पूरा पैक करना है भाई, क्योंकि बियर जब फैक्ट्री के अंदर में बनता है पूरा प्रोसेस मशीन से होती है, ठीक है ना। लेकिन पैकिंग वैकिंग जो भी रहता है और सारा चीज़ जो है आपको करना रहेगा वहाँ पे, हेल्पर के तौर पे आपको करना है फैक्ट्री के अंदर में, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हेल्पर में जाते हो तो ये मत सोचिए कि भाई मुझे वहाँ बैठा करके आराम से जो है सैलरी मिलेगा। हेल्पर का मतलब है भाई हेल्पर, ठीक है। और फैक्ट्री के अंदर में नॉर्मली काम होता है, ज़्यादा वज़न उठाने वाला भी काम नहीं होता है, और ज़्यादा वज़न उठाने वाला अगर काम होता भी होगा तो वो सब फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर करते हैं, फोर्कलिफ्ट से होता है, सही है। और ज़्यादातर फैक्ट्री के अंदर में जो काम होता है मशीन द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि नॉर्मली काम जो रहते हैं वो बंदे लोगों को से करवाते हैं, क्योंकि हर काम जो है मशीन से नहीं होती है भाई। जो हेवी है, जो भारी वज़न वाला सामान है, वो सब पैकिंग का काम ये सब जो है आपको करना रहेगा, सही है। हेवी वाला काम जो है मशीन द्वारा ही होती है। और ये जो हमारे पास काम आया हुआ है एक महीने के अंदर, या मान लो डेढ़ महीने के अंदर आपका जो है फ्लाइट हो जाएगा, सही है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए मुझे ओनली पासपोर्ट का, बैक एंड फ्रंट का स्कैन कॉपी और एक फ़ोटो चाहिए डिजिटल, एक पीडीएफ में आप भेज दीजिएगा मुझे। बाकी अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें जो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और रशिया का नॉर्मल मेडिकल मुझे चाहिए, सही है। पहले वहाँ से सिलेक्शन लेटर आएगा, सिलेक्शन के बाद जो है आपको पेमेंट देना रहेगा, ठीक है। तो आपने वीडियो देख लिया होगा स्टार्टिंग में, बियर फैक्ट्री का काम है, वीडियो स्टार्टिंग में आपने देख लिए होंगे। तो भाई नॉर्मली काम करना है, लेकिन काम फैक्ट्री के अंदर अगर आप काम करते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं भाई। एक काम नहीं है कि सिर्फ आपको पैकिंग का देना होगा। अब वहाँ का जो सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, तो जो काम बोलेगा आपको वही काम करना है ना भाई। अपने हिसाब से तो आप खाली पैकिंग में नहीं कर सकते ना। तो ऑलमोस्ट जो भी काम रहते हैं नॉर्मली काम रहते हैं, कोई हैवी भरकम काम नहीं होता है कि भाई आदमी कर ही ना पाए। कोई बंदे को थोड़ा ना बोलेगा कि भाई वो 60 किलो का वज़न है, तुम अपने अपने कंधे पे उठाओ, ऐसा नहीं होता है। हर जगह में जो है फैसिलिटीज़ होती है कंपनी की तरफ से कि ये बंदा जो काम कर रहा है 10 घंटा 12 घंटा जो काम कर रहा है, तो इसको इतना तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कि भाई वो दूसरे दिन आए ही ना काम पे, सही है। तो हमारे पास जो काम है फैक्ट्री के अंदर में बियर फैक्ट्री का काम है, और ये काम कोई भी बंदा आराम से कर सकता है, ठीक है ना भाई। बाकी सैलरी की बात की जाए तो $800 सैलरी है, यानी कि इंडियन मनी 60,000 रुपये सैलरी है। और इसमें जो आपको ओवर टाइम अगर करेंगे, 2 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम करेंगे, तो अच्छा खासा मंथली का आपको 65-75 तक सैलरी मंथली का आ जाता है, सही है। और रशिया के अंदर कोई भी बंदा अगर काम करता है डायरेक्ट कंपनी के अंदर में, तो आपको सैलरी अच्छा खासा मिलता है। जैसा कोई कोई कैंडिडेट बोलता है कि भाई 1,20,000 में काम होता है, 1,10,000 में होता है भाई, लेकिन उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं रहती है। आपको 35,000 30-35,000 मंथली का मिलेगा, वो सप्लायर का वीज़ा रहता है और सर्विस चार्ज जो है कम रहता है, ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है सैलरी 60,000 बेसिक सैलरी है, खाना वीना आपका फ्री रहेगा, और हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी है भाई। रशिया के अंदर में मॉस्को के सिटी के अंदर में ये काम रहता है, आपको उधर काम करना फैक्ट्री के अंदर में, कोई बाहर का काम नहीं, धूप का काम नहीं है, इंडोर हेल्पर का काम है, तो कोई भी आराम से कर सकता है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसमें कोई भी बंदा जा सकता है, अनपढ़ लोग भी जा सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं, और पासपोर्ट आपका ACR हो तो भी चलेगा, नॉन ACR हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ACNR पासपोर्ट, ACR पासपोर्ट दोनों एक्सेप्टेड है इस पर।
और एज लिमिट की बात की जाए तो 20 साल से लेकर के 50 साल का बंदा इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। रशिया के अंदर में बहुत अच्छा डिमांड अभी चल रही है, ठीक है। अगर जाना रहेगा आपको तो फटाफट अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए। कंपनी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ। खाना आपको फ्री में मिल जाएगा, बना बनाया हुआ खाना मिलेगा, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलता है, भाई जिसको जैसा जमता है वैसा खाता है, सही है। बाकी रूम आपको फ्री में मिल जाएगा, और इसमें जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रैवल होती है बस से आना जाना करना रहता है वो भी आपको फ्री में किया जाएगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के अंदर में आप आते हैं तो कोई टिकट विकेट नहीं मिलेगा। 2 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं तो 1 महीने का लीव सैलरी आपको मिलती है, उसके बाद जो है आपको फ्लाइट टिकट मिलता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद में फिर आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, हम किसी को जो मसी नहीं बोल सकते कि आप इसी काम में जाइए, जिसको जैसा जमता है वैसा कीजिए भाई, हमारे पास काम बहुत है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए। बाकी अगर आपको जाना रहेगा तो इसमें खर्चा जो है 180,000 रुपये खर्चा है, और कोई एडवांस पेमेंट अभी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला मुझे नॉर्मल मेडिकल ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद जो है आपका लेटर आएगा सिलेक्शन लेटर, उसके बाद आपको 20,000 एडवांस देना पड़ेगा, सही है। तो जितना जल्दी हो सकता है दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।